हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल के बारे में, ठीक है, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी टेट, के वी एस, टेट एग्जाम्स में सभी में लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन आता है। अगर आने वाले एग्जाम को मैं टारगेट करूँ तो आपका रीट एग्जाम के लैंग्वेज वन में, ठीक है, आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल के नाम से टॉपिक है, एक दिया हुआ है आपका, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूँ अगर इसको, ज़रूर आपका क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज की स्किल से, सब स्किल से, स्कीमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, वो सारी चीज़ें, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज स्किल के ऊपर में, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये मत देखा करो कि आपको कितना पढ़ना है, इतना थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर आप क्या करते हैं वहाँ जाकर के अगर चार चीज़ें और पूछ ले तो आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, जब आपको लैंग्वेज स्किल का टॉपिक दिया हुआ है, दैट मीन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो स्किल है LSRW, उन सबके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तब आपको ये नहीं लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है। लेकिन अगर आप सिर्फ LSRW को मोटा मोटा सा पढ़ करके चले जाएंगे और ज़रा सी उनके सब स्किल के बारे में पूछ लिया तो आपको नहीं आता होगा। तो इसीलिए जो टॉपिक आपको दे दिया है ना, उस टॉपिक को आप गूगल मारो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको दे दिया टॉपिक, अब उसकी मर्जी है उस टॉपिक से निकाल कर वो कहाँ से क्वेश्चन दे दे। और जॉब एग्जाम्स में तो खासकर ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देगा ही देगा, अगर उसने लैंग्वेज स्किल दे दिया है तो, ठीक है। फिर उसमें क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही पढ़ना है आपको, बट हाँ, स्टैंडर्ड आपको देखना है कि स्टैंडर्ड आपको उसके हिसाब से पढ़ना है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो। तो थोड़ा सा हम देखेंगे लैंग्वेज के बारे में, फिर हम आ जाएंगे लैंग्वेज के स्किल के ऊपर में, ठीक है। फटाफट से हम देख लेते हैं लैंग्वेज क्या होती है। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। लैंग्वेज क्या है भाई, हम अपने जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करें, अगर कोई लैंग्वेज ही ना हो हमारे पास में, तो एक एक्सप्रेशन का तरीका है हमारा। वी यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर थॉट एंड इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है हमारे थॉट्स का जो लैंग्वेज है। भाई मैं जो भी कुछ आपके साथ में बोल पा रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, मैं अपने थॉट्स को ही तो आपके साथ में डिस्कस कर पा रही हूँ, और किसके थ्रू डिस्कस कर पा रही हूँ, लैंग्वेज के थ्रू डिस्कस कर पा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एलन, एलन क्या कहती है, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स, जो हमारे विचार हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में कुछ विचार तो हैं, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वार्तालाप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जब आप किसी लैंग्वेज का सहारा लेंगे, हिंदी में बात करेंगे अपने थॉट्स में, या फिर इंग्लिश में बात करेंगे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या है, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 5 जो होते हैं आपके वॉवल्स होते हैं, सबको आपको पता है, राइटिंग बेसिक्स में जो होते हैं AEIOU, ठीक है, ये आपके 5 वॉवल्स होते हैं। बट अगर हम बेस्ड ऑन साउंड के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में 20 वॉवल साउंड्स होते हैं और 24 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 44 आपके टोटल क्या होते हैं, फोनेटिक साउंड्स होते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, 20 वॉवल साउंड्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो 10 आपके क्या होते हैं, स्वर साउंड कह सकते हैं आप, 33 आपके व्यंजन जो होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि 43 रहती हैं आपकी, ठीक है। यह आपके साउंड के बेसिस पर हो गया। थोड़ी सी लैंग्वेज की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, 1600 भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, उनमें से 22 भाषाएं जो हैं उसको क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी क्या है, मान्यता मिली हुई है। रिटन इन 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट, 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, और 720 जो है आपके डायलेक्ट्स हैं, यानी कि बोलियां हैं, ठीक है। इंग्लिश हमारी किस उसमें आती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस परिवार में आती है, तो इंडो यूरोपियन परिवार में आपकी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती हैं आपकी। ये होती हैं आपकी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसको हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लैंग्वेज का साइकोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है सीखने का वो कौन सा होता है, तो LSRW, ये आपका क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है। बच्चा इसी तरीके से लैंग्वेज को सीखता है। भाई बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, उसको कुछ भी नहीं बोलना आता होता है, जब वो इस दुनिया में आता है तब भी वो क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो लिखना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, और फिर वो लिखना सीखता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में बच्चे हैं छोटे, तो हम उनको सिखा देते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो रीडिंग तो वो सीख जाते हैं, लेकिन राइटिंग तो काफ़ी टाइम बाद में सीखते हैं ना, कि इस तरीके से ए लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, आपका एक क्रम है सीखने का। द प्रॉपर सीक्वेंस इन लैंग्वेज लर्निंग इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन शॉर्ट क्या कहेंगे हम इसको, LSRW, ठीक है।
द फोर बेसिक स्किल्स आर कैटेगराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स. टू पैरामीटर्स में इनको बांटा गया. अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इनको हम ओरल और रिटन में बांटते हैं. दो स्किल आती है आपकी ओरल में और दो स्किल आती है आपके रिटन में, ठीक है. और अगर हम डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो हम इनको रिसेप्टिव स्किल यानी कि रिसीव करना और प्रोडक्टिव स्किल यानी कि प्रोड्यूस करना मैसेज को, दो तरीके से. दो आपकी रिसेप्टिव स्किल होती हैं और दो आपकी प्रोडक्टिव स्किल होती हैं. तो आपको चारों ही तरीके से याद रखना है. किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ओरल स्किल कौन सी है, रिटन स्किल कौन सी है, ठीक है. ओरल में ऑब्वियसली सी बात कौन सी आएगी आपकी, भाई एक तो आप रिटन में क्या होगा, राइटिंग, ठीक है, और आपकी रीडिंग आ जाएगी. ओरल में क्या होगा, आपकी स्पीकिंग आ जाएगी और लिसनिंग में आ जाएगी. भाई स्पीक करना, बोलना और सुनना दोनों आपकी ओरल में आएगी. रिटन में आपकी लिखना और पढ़ना दोनों रिटन स्पीक में आ जाएगी. रिसेप्टिव की अगर हम बात करें तो रिसीव कब करते हैं आप, जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तब आप रिसीव करते हैं, और जब आप कुछ सुन रहे होते हैं यानी कि स्पीकिंग कर मतलब लिसनिंग करते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं. पढ़ करके आप रिसीव करते हैं, जैसे कि आपके सामने बुक है, आपने उसको पढ़ा और उसमें से कुछ रिसीव कर लिया, कुछ नॉलेज ले लिया. इसी तरीके से आप कुछ सुनते हैं और मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है. प्रोड्यूस कब करते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया कुछ भी, तो मैंने क्या किया, कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है, रिसीव थोड़ी ना किया. इसके अलावा आप क्या करते हैं, कुछ बोल रहे हैं तो आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है. दोनों आपकी स्किल होती है. अब दोनों को थोड़ा सा और देख लेते हैं. ओरल स्किल की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया क्या होगा, लिसनिंग होगा और स्पीकिंग होगा, दोनों आपकी क्या रहेगी, ओरल स्किल रहेगी. रिटन की अगर बात की जाए तो रीडिंग और राइटिंग दोनों आपके रिटन में आती है, ठीक है. मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए, अब इसमें बात करते हैं हम दूसरे मोड में, तो रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है, लिसनिंग और रीडिंग. जब आप कुछ सुनते हैं तो आप रिसीव करते हैं, जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप रिसीव करते हैं. प्रोड्यूस कब करते हैं, उत्पादन कब करते हैं, जब आप कुछ बोल रहे होते हैं और जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, रिसेप्टिव कौन सी है, प्रोडक्टिव कौन सी है, ओरल कौन सी है, रिटर्न कौन सी है, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, लिसनिंग स्किल क्या होती है और इसके क्या क्या आगे सब पार्ट्स है. लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल दैट वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है. नेटिव लैंग्वेज में सबसे पहली लैंग्वेज स्किल होती है जिसको हम एक्वायर करते हैं. इट इज़ नॉन एज रिसेप्टिव स्किल, ओरल स्किल और पैसिव स्किल. एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका नाम आप रिसेप्टिव भी होती है, ओरल भी होती है और पैसिव भी होती है. भाई सुनने में आपको थोड़ी ना कोई जोर लग रहा है, आप आराम से बैठे बैठे, आराम से रजाई में बैठे बैठे या फिर फिलहाल एसी के नीचे बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं. पैसिवली बैठे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे ना, तो इसका मतलब पैसिव स्किल है. लिसनिंग स्किल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज साउंड. लिसनिंग स्किल आपकी हेल्प करती है लैंग्वेज के जो साउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने में. भाई किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको आप किसके थ्रू समझते हैं, लिसनिंग स्किल के थ्रू समझते हैं, ठीक है. लिसनिंग इज अ सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. अब याद रखेंगे कौन सा एस्पेक्ट है लिसनिंग आपका, सिमेंटिक एस्पेक्ट है, मीनिंगफुल एस्पेक्ट है. सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग. तो सिमेंटिक एस्पेक्ट आपका कौन सा है, लिसनिंग है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग. टाइप्स ऑफ लिसनिंग में सबसे पहले लिसनिंग आती है आपकी इंटरैक्टिव लिसनिंग, ठीक है. इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होती है, सिचुएशन इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स, ठीक है. इसमें क्या होता है, इंटरैक्टिव यानी इंटरैक्शन हो रहा है जब आपस में आपका, जब क्लासरूम में आप टीचर के साथ में फेस टू फेस बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो आपकी इंटरैक्टिव लिसनिंग होती है. टेलीफोन पे जब आप बातचीत कर रहे हैं, जब आप बीच में क्या कर सकते हैं, टोक सकते हैं बंदे को, क्लैरिफिकेशन के लिए कह सकते हैं, उसको रिपीटेशन के लिए कह सकते हैं, उसको धीरे बोलने के लिए कह सकते हैं, तेज बोलने के लिए कह सकते हैं, यानी कि आप इंटरफेरेंस कर सकते हैं बीच में तो अपने पार्टनर के साथ में, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरैक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं. आप सुन रहे हैं और आप उसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं. नॉन इंटरैक्टिव क्या होती है, सम नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस आर लिसनिंग टू रेडियो, टीवी, फिल्म्स, लेक्चर्स, ठीक है. जब आप टीवी पे मैच देख रहे होते हैं तो सुन रहे होते हैं आप उसको, मैच को देख भी रहे होते हैं, लेकिन आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. घर बैठे बड़बड़ाते रहते हैं, अरे अरे कैसा खेल रहे प्लेयर, देखो इसने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, सिर्फ सुन सकते हैं. इन सच सिचुएशंस वी यूजुअली डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. हम इसमें क्या होता है, हमारे पास में ऑप्शंस नहीं होते हैं. अगर कोई मूवी देख रहे हैं टीवी में आप, तो आप उसको क्या है, आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई थोड़ा पीछे से बोलना, या तूने क्या बोला, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, इतना ज़्यादा साउंड है ना, सुनाई नहीं दे रहा, ज़रा दोबारा से बोलो. नहीं है वो ऑप्शन आपके पास में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग कहा जाता है उसको, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं आपकी, ठीक है.
ये हो गया आपका। उसके बाद आती है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल क्या होती है? स्पीकिंग इज द सेकंड लैंग्वेज स्किल। जैसा कि हमने एल एस आर डब्ल्यू की बात की तो स्पीकिंग कौन सा है? सेकंड है आपका। वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव स्किल, ओरल स्किल और एक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव और ओरल तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था अभी, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम? एक्टिव स्किल कहते हैं। भाई अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो बोलते बोलते मुझे जोर आ रहा है, मेरे गले में भी जोर पड़ रहा है, मेरा दिमाग भी एक्टिव है, ठीक है, तो क्या होगा? ये एक्टिव स्किल है आपकी। पैसिवली नहीं बैठे हैं आप बिल्कुल कि कहीं कोई जोर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फोनेटिक एस्पेक्ट कहा जाता है इसको आपका। स्पीकिंग को क्या कहते हैं? फोनेटिक एस्पेक्ट कहा जाता है आपका लैंग्वेज का, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीकिंग कौन सी होती है? सेम लिसनिंग की तरह एक होती है आपकी इंटरैक्टिव स्पीकिंग। इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसे कि फोन पर अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल कहेंगे, ठीक है। इन विच वी आर ऑल्टरनेटिवली लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जब हम क्या कर रहे होते हैं? सुन भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं। इन विच वी हैव अ चांस टू आस्क द क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन, स्लोअर स्पीच फ्रॉम द कन्वर्सेशन पार्टनर। जब हम क्या करते हैं? फेस टू फेस स्पीकिंग करते हैं, तब क्या होता है? हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो सकता है, हम आपस में बात कर सकते हैं कि भाई कुछ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। पार्शली इंटरेक्टिव क्या होती है? मतलब आधी इंटरेक्टिव क्या होगी? सम स्पीकिंग सिचुएशंस आर पार्शली इंटरेक्टिव, सच एज व्हेन गिविंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस, वेयर द कन्वेंशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। अब मैं अगर कहीं पर भी जाकर के स्पीच दे रही हूँ तो उसमें ऑडियंस क्या है? मेरे स्पीच में इंटरप्ट नहीं कर सकती। ये क्या है? पार्शली स्पीकिंग है। मैं बोल तो रही हूँ लेकिन उसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं बात कर रही हूँ, ये पार्शली इंटरेक्टिव स्पीकिंग आप इसको कह सकते हैं कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम जो बोल रही हूँ, बट आप जो है एज अ लर्नर फिलहाल आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। बाद में आप कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वो एक अलग बात है, बट फिलहाल आप इसमें क्या है, कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकते हो। द स्पीकर Less can see the audience and judge from the expressions on the faces and body language whether or not he or she is being understood. ठीक है, non interactive services क्या होती है? Non interactive speaking क्या होती है? Some speaking situations may be totally non interactive, such as when recording a speech for a radio broadcast. ठीक है, जैसे कि अगर हम रेडियो के प्रॉडकास्ट के लिए अगर हम एक कोई भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्या होगी? बिल्कुल ही नॉन इंटरेक्टिव होती है, उसमें कोई भी इंटरेक्शन जो है आपस में नहीं होता है। ठीक है, रीडिंग स्किल क्या होती है? आपकी थर्ड लैंग्वेज की स्किल है एल एस आर डब्ल्यू में, जो कि हम अपनी एक्वायर करते हैं नेटिव लैंग्वेज में। इट इज़ नॉन एज रिसेप्टिव स्किल, रिटन स्किल और पैसिव स्किल। रीडिंग क्या होती है? इसमें भी आपको कोई खास जोर आता नहीं है, ये आपकी पैसिव स्किल होती है। आप पैसिवली जो होती है पढ़ पढ़ के चीज़ों को ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है, Because it requires us to use our eyes and brain to comprehend the written language. ठीक है, इसमें हमारी eyes और हमारी brain का use होता है language को comprehend करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, reading is phonetic कम graphic aspect, याद रखना है। रीडिंग जो है वो किस तरीके का एस्पेक्ट है लैंग्वेज का? फोनेटिक भी है और ग्राफिक भी है। ग्राफिक क्यों है? क्योंकि हम लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं। फोनेटिक क्यों है? क्योंकि हम स्पीकिंग भी कर रहे हैं उसके अंदर रीडिंग करते टाइम। ठीक है, तो इसलिए फोनेटिक और ग्राफिक दोनों है ये। ठीक है, क्योंकि लिखना लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कैन हेल्प बिल्ड अ वोकैबुलरी दैट हेल्प्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द लेटर स्टेज। पर्टिकुलरली रीडिंग क्या करती है? आपकी वोकैबुलरी जो होती है ना उसको क्या करती है? बहुत अच्छा करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम फटाफट से। टाइप्स ऑफ रीडिंग कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? फोकसेस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, जब आप कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं वो होती है आपकी साइलेंट रीडिंग। और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल रीडिंग जो आपकी होती है वो साइलेंट रीडिंग को माना जाता है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर पाते हैं चीज़ों को। और दूसरी बात क्या होती है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो कम वेस्ट होती है। ठीक है, अलाउड रीडिंग फोकसेस ऑन प्रोनंशिएशन। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करती है, ये प्रोनंशिएशन पे फोकस करती है। बेस्ट फॉर द बिगिनर्स और चाइल्ड, जैसे कि छोटी क्लासेस में बच्चों को आप जो है जोर जोर से बोल करके हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो किस चीज़ के लिए? ताकि बच्चों की आप प्रोनंशिएशन को जो है वो चेक कर सके, साथ साथ अपनी प्रोनंशिएशन बच्चों तक पहुँचा सकें कि इस चीज़ को इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, और उनकी प्रोनंशिएशन को साथ साथ आप देख सकें कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी चीज़ को। इसलिए अलाउड रीडिंग होती है बेसिकली प्रोनंशिएशन पे फोकस करती है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? द लर्नर फोकसेस ऑन एवरी वोकैबुलरी और ग्रामर टू अंडरस्टैंड। इंटेंसिव क्या होती है? बिल्कुल एकदम घुस करके पढ़ना उसके अंदर में। ठीक है, कि बिल्कुल ही मतलब एक एक चीज़ को, वोकैबुलरी को, ग्रामर को समझते हुए पढ़ना, ये आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करती है और आपकी एक्टिव वोकैबुलरी को बढ़ाती है। ये आपकी एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स को, जिन वोकैबुलरी वर्ड्स को, वो आपकी
एक्टिव वोकैबुलरी होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, लर्नर रीड्स इजी एंजॉयबल बुक्स टू बिल्ड देयर रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी। एक्सटेंसिव क्या होती है, जब आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जब आपको ना ग्रामर से मतलब है ना आपको वोकैबुलरी सीखनी है, बस आप अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल उठा ली आपने, उसकी स्टोरी अच्छी लगी और आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपका क्या होगा, स्पीड अच्छी रहेगी और फ्लुएंसी अच्छी रहेगी। जैसे कि आपने सुना होगा इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह में कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्पीड रहेगी आपकी रीडिंग की और फ्लुएंसी अच्छी आएगी। लर्नर्स अटेन इज अटेंशन इज ऑन द मीनिंग नॉट ऑन द एवरी टेक्स्ट, ठीक है। एक एवरी टेक्स्ट पे आप नहीं जाएंगे इसका क्या मीनिंग है, अच्छा इसका क्या मीनिंग है, नहीं, आपको ओवरऑल एक मीनिंग पता होना चाहिए, बस पता चल जाता है कहानी क्या है, आपका काम हो गया, ठीक है। इट इम्प्रूव्स पैसिव वोकैबुलरी, ये आपकी पैसिव वोकैबुलरी को बढ़ाता है जो कि ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती है। पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वोकैबुलरी होती है जो हमें जिनका मीनिंग हमें पता होता है लेकिन वो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड्स जो है वो पड़े रहते हैं, ठीक है। कोई नॉवल पढ़ना, कोई मैगजीन्स पढ़ना, ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है। फिर आती है आपकी स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों आपकी रीडिंग की टेक्निक है, स्कीमिंग और स्कैनिंग आपका। इट हेल्प्स यू टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ईजी एंड क्विकली, दोनों ही आपकी क्या है, रैपिड रीडिंग के पार्ट हैं, क्विकली पढ़ने के पार्ट हैं आपके। स्कीमिंग क्या होती है, जब आपको एक जर्नल थीम चाहिए होती है, टेक्स्ट क्विकली रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड आउट द जर्नल थीम, जब आपको एक जर्नल थीम निकालनी होती है, एक ओवरऑल थीम निकालनी होती है, तो हम स्किम करते हैं। स्किम का मतलब क्या होता है, मलाई निकालना, ठीक है। स्कीम का मीनिंग क्या होता है, मलाई निकालना, जब आपको एक जीस्ट निकालना होता है तो हम स्कीमिंग कहते हैं। स्कैनिंग क्या होता है, जब आप टेक्स्ट को क्विकली पढ़ते हैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि डिक्शनरी में से किसी वर्ड का आपको मीनिंग देखना है तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे, अच्छा अच्छा जी ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, अच्छा ये मीनिंग यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, स्कैनिंग होगा, यानी कि स्कैन करना, किसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आपको निकालना है, उसको निकाला और आपका काम खत्म। जैसे आप जाएंगे रीट में, आपका रोल नंबर लगा होगा कहीं पर, आप देखेंगे अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, अच्छा ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, स्कैनिंग है, ठीक है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही हो। प्रीव्यूइंग क्या होती है और प्रिडिक्टिंग क्या होती है, प्रीव्यूइंग और प्रिडिक्टिंग जो होती है वो प्री रीडिंग के पार्ट होते हैं आपके, ठीक है, दोनों ही। प्रीव्यूइंग मीन्स होते हैं गेट द बेसिक थीम ऑफ अ बुक और टॉपिक बाय व्यूइंग इट्स टाइटल, इमेज, बुक कवर और एटसेट्रा। जब भी आप कोई बुक खरीदने जाते हैं तो आप उसका प्रीव्यूइंग करते हैं, जैसे कि आप उस बुक को पूरा पढ़ करके तो खरीदेंगे नहीं, वहाँ स्टोर में खड़े होकर के पूरा पढ़ने बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। आप क्या करेंगे, उसका टाइटल देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, उसका कवर देख रहे हैं, उसका ऑथर देख रहे हैं, वो क्या होगा आपका, उसको हम प्रीव्यूइंग कहते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है मीन्स गेस करना, प्रिडिक्शन मीन्स क्या होता है, गेस करना। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो हम आगे से आगे उसमें गेस करते हैं, अच्छा इसमें क्या होने वाला, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी बाय रीडिंग द इनिशियल पैसेज ऑफ द स्टोरी, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग का एक पेज पढ़ते हैं, फर्स्ट पेज पे जो लिखा होता है, हम सोचते हैं सेकंड पेज पे क्या होगा, अरे थर्ड पेज पे क्या आने वाला है स्टोरी पे, फोर्थ पेज पे क्या आने वाला, जो हम एक प्रिडिक्शन करते हैं वो होता है आपका क्या होता है, प्रिडिक्शन, ठीक है, यानी कि कोई गेस करना। इट इज़ द फोर्थ लैंग्वेज, राइटिंग स्किल जो होती है आपकी फोर्थ लैंग्वेज है, अगर हम LSRW की बात करें तो ये आपका चौथा लैंग्वेज का पार्ट है, वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव स्किल, रिटर्न स्किल और एक्टिव स्किल। जब आप लिख रहे हैं कुछ तब ऑब्वियसली आप एक्टिव रहेंगे, पैसिवली आप लिख नहीं सकते, रिटर्न स्किल है और आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर हैंड्स, आवर ब्रेन टू करेक्टली प्रोड्यूस रिटर्न सिंबल्स, ठीक है। जब हमारे हाथों का यूज हो रहा है, हमारे ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन एक्टिवली हम चीज़ों को उसके अंदर कर रहे हैं। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। अगर हम साउंड्स की बात करें तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये, यानी कि जब ग्राफ की बात आ जाए तो ये क्या होता है आपका, राइटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर आता है आपका जैसे डिसग्राफिया है, तो डिसग्राफिया एक तरीके का राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। राइटिंग इज अ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हमने बाकी एस्पेक्ट्स पढ़े तो ये कौन सा है आपका, ये ग्राफिक एस्पेक्ट होता है आपका लैंग्वेज का। अब इसमें आता है एक स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग क्या होता है, इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ राइटिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइटिंग की इनिशियल स्टेज क्या है तो आप क्या कहेंगे, स्क्रिबलिंग है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राइटिंग की फर्स्ट स्टेज क्या है तो आपकी क्या रहेगी, ये स्क्रिबलिंग है, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। फिर आती है आपकी राइटिंग टेक्निक्स, राइटिंग टेक्निक्स में आपकी फोर टाइप्स की होती है मेन इंपॉर्टेंट। एक होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक होती है नरेटिव राइटिंग, एक होती है पर्सुएसिव और एक होती है आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग। इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे इनको। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, याद रखना, डिस्क्राइब करना, यानी कि पूरा बढ़ा चढ़ा के और पूरा अच्छे तरीके से उसको
लिखना। राइटर हु यूज अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल ऑफन यूज लिटरेरी टूल्स लाइक सिमली मेटाफर इन देयर राइटिंग। यहाँ पे क्या होगा आपके जो सिमली और मेटाफर का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम कहते हैं ना कि चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद के जैसा रोशन चेहरा हो गया आपका, है ना। तो यानी कि किसी चीज़ से तुलना की जाएगी, कुछ बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें कही जाएंगी, डिस्क्राइब किया जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई कह दे अच्छा इस ट्री के बारे में कुछ बोलो, आप क्या कहोगे, पेड़ है सामने और क्या बोलना है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला कोई बंदा होगा, वो क्या कहेगा, ये ट्री है, इसके पत्ते हिल रहे हैं, ये गुनगुना रहा है, ये हंस रहा है, खिलखिला रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख देगा उसके बारे में। तो वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पार्ट होगा, ठीक है। द पर्पज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल इज टू मेक द रीडर फील लाइक दे आर एक्सपीरियंसिंग द इवेंट फॉर देमसेल्फ। इस तरीके से लिखा जाता है किसी चीज के बारे में कि जो रीडर है वो उस चीज को फील कर सके कि वो उस जगह पर ही है जिसके बारे में वो पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ चीज़ें इस तरीके से लिखी होती हैं, आपको लगता है अच्छा हम वहीं पहुंच गए, जैसे उसी इवेंट पे पहुंच गए, है ना। तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। नरेटिव राइटिंग क्या होती है, नरेटिव राइटिंग एक्सपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल, ठीक है। टेल्स एन एंटायर स्टोरी विद बिगनिंग मिडल और एंड। यहाँ पे क्या होता है, नरेटिव में जैसे कि आपने देखा होगा स्टोरी टेलिंग बेस्ड होती है, वैसे ये देखा जाए तो इसके अंदर कोई स्टोरी जो होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी बिगनिंग हो गया, उसका मिडल हो गया, उसका एंड हो गया, सब कुछ इसके अंदर में आ जाता है आपका, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज़ आती है। पर्सुएसिव राइटिंग क्या होती है, पर्सुएसिव राइटिंग इज यूज टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस द रीडर टू बिलीव और डू व्हाट द राइटर वांट्स देम टू डू, ठीक है। पर्सुएसिव राइटिंग स्टाइल क्या होती है, इसमें एक तरीके से जो रिटन फॉर्म होती है ना, वो रीडर को कन्विंस करने के लिए होती है कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा होगा, अब अगर कोई धोनी ऐड कर रहा है किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, या फिर विराट कोहली अगर कह रहा है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है आपको कि इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इसको यूज़ करो। तो ये क्या है, अगर किसी आर्टिकल में आपको कुछ ऐसा लिखा मिले तो वो क्या होगी, आपकी पर्सुएसिव राइटिंग स्टाइल होगा। इसमें ऑथर का अपना ओपिनियन होता है और कहीं ना कहीं कन्विंस किया जाता है इसके अंदर में रीडर को कि देखो जो मैं बिलीव करता हूँ वो तुम भी बिलीव करो इस प्रोडक्ट के बारे में या इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, ठीक है। फिर आती है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज यूज्ड टू इन्फॉर्म एक्सप्लेन डिस्क्राइब समथिंग टू द रीडर। इसमें क्या होता है, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करना। अब डिस्क्रिप्टिव से ये किस तरीके से अलग है, डिस्क्रिप्टिव में जरूरी नहीं है कि फैक्ट यूज किए जाए, नहीं, उसमें बढ़ा चढ़ा के चीजें बोली जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये सबसे कॉमन राइटिंग का, सबसे मोस्ट कॉमन राइटिंग का स्टाइल होता है, ठीक है। राइटिंग एंड आंसर क्वेश्चन है रीडर हैज सच एज वट वाई एंड हाउ। इसके अंदर आपके तीन क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वेन यूजिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल द राइटर नीड्स टू सेपरेट देयर ओपिनियन फ्रॉम द फैक्ट्स दे आर शेयरिंग। जैसे कि अगर अर्थव्यवस्था के बारे में अगर कोई बात की जा रही है, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में अगर कोई बात की जा रही है, तो ऑथर अपना खुद का ओपिनियन जो है वहाँ पर नहीं घुसाएगा, ठीक है, कि मेरा ओपिनियन ये है, नहीं जी आपका ओपिनियन नहीं चाहिए, उसमें आपको क्या करना होगा, फैक्ट्स रखने होंगे, ठीक है, जो आपके फैक्ट्स होंगे, जो कुछ आपके डेटाज होंगे वो आपको रखने होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, या फिर जो भ्रूण हत्या है, ठीक है, या फिर चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जा रही है, उस किसी भी तरीके के कोई ऐसे टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, कोई लिखा जा रहा है, तो उस आर्टिकल में क्या होगा, ऑथर अपना ओपिनियन जो है वो नहीं रखेगा, बल्कि फैक्ट्स को रखेगा कि देखो इस तरीके के फैक्ट्स हैं, ये हमारी इंडिया की कंडीशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ये फलाने देश की कंडीशन है इस टॉपिक के बारे में, तो वो आंकड़े रखेगा आपके सामने, फैक्ट रखेगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ राइटिंग के पार्ट्स थे और ये हमारी LSRW तीनों चारों जो स्किल्स हैं आपकी, उसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से और बहुत ही कम टाइमिंग में समझ में आ सके, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि क्लिक 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 करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके छोड़ते हैं कि चलो हम बाद में पढ़ लेंगे। भैया इनको अच्छे से पढ़ो और अपने खुद के नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट आपके रखे रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेपर में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरे खुद के फ़ोन में मैं देखूँ तो अगर 6000 से ऊपर तो फोटोज़ पड़े हैं, तो सोचो मैं स्क्रीनशॉट लूँगी तो कहाँ मिलेंगे मुझे वो। तो इसीलिए खुद से देखो, एक बार में नहीं समझ में आता दो बार देखो, और इनके नोट्स बनाओ तो आपको पेपर में हेल्प करेंगे, फटाफट से आप उनको उठाओगे और पढ़ के पेपर में चले जाओगे। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।